उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एनकाउंटर में पुलिस ने दो आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए गोली भी चलाई, जो एक के पैर में लगी, वहीं दूसरे आरोपी का पैर भागने के दौरान टूट गया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 15 सितंबर को स्कूल से वापस लौट रही छात्रा का दुपट्टा खींचा था, जिसके बाद छात्रा सड़क पर गिर गई और बाइक के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 ने भागने की कोशिश की, जिन्हें इनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर को अंबेडकर नगर के हंसवारा थाना इलाके के बरही ऐदिलपुर की रहने वाली नैन्सी छुट्टी होने के बाद स्कूल से अपने घर लौट रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार युवकों ने साइकिल से आ रही छात्रा का दुपट्टा खींचने की कोशिश की, इससे वो अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ी। इसके बाद पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे रौंद दिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि आरोपी लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहे थे। थाना हसवर पर कल शाम को तहरीर प्राप्त हुई कि 2 लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। 17 सितंबर को आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए पुलिस उन्हें अस्पताल ले जा रही थी। दावा किया जा रहा है कि 2 आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 आरोपियों को घायल कर दिया। एक आरोपी को पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे आरोपी का पैर भागने के दौरान टूट गया। दोनों को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है।